नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला के कांगूघटी के पास एचआरटीसी की बस टिप्पर से भिड़ी। हादसे में ड्राइवर सहित चार सवार बुरी तरह से हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया भोरंज अस्पताल। रोजगार पर तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में हमीरपुर भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में हमीरपुर से विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी विशेष रूप से रही उपस्थित। आम आदमी पार्टी के द्वारा हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से बिजली मीटर किराया व सर्विस चार्जेस खत्म करने की गई मांग। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अगर आरोपी की जल्द नहीं की गई गिरफ्तारी तो एसोसिएशन को मजबूरी में उठाना पड़ सकता है कोई ठोस कदम, कहा हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने।